हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं एक ऑटोकैड की आपको अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ, शायद ये आपके बहुत काम आएगी, तो अब ध्यान से देखें। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि इस तरीके से ब्रेक लाइन बनानी पड़ती है। कहीं पे भी हमें इनकी जरूरत पड़ जाती है जहां पे इस टाइप की ब्रेक लाइन आपको बनानी पड़ेगी, जैसे स्टेयर का उसमें बनाते हैं, या फिर कहीं पे भी जहां पे इंफिनिटी होती है वहां पे इस टाइप की ब्रेक लाइन को हमें बनाना पड़ता है। तो इन ब्रेक लाइंस को हम किस तरीके से बनाएंगे वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल सी एक कमांड है, आप यहां पे टाइप करें BREAKLINE, ब्रेक लाइन ही इसकी कमांड है। आप यहां पे क्लिक करें। अब जैसे ऑर्थो मोड है तो स्ट्रेट आप यहां पे बना सकते हैं, क्लिक करें और जहां पे भी आप क्लिक करेंगे तो वहां पे ये ब्रेक लाइन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी आपका। आप देख पा रहे हैं यहां पे ब्रेक लाइन इस तरीके से क्रिएट हो जाएगी। आप यहां पे ब्रेक लाइन पे जाएं और यहां पे आपने क्लिक किया, जहां पे भी क्लिक करेंगे वहीं पे वो ब्रेक लाइन आपकी क्रिएट हो जाएगी। अगर आपको हॉरिजॉन्टल बनानी है हॉरिजॉन्टल बना सकते हो, वर्टिकल बनानी है वर्टिकल बना सकते हो, और अगर आपको स्लोप में बनानी है तो आप यहां से ऑर्थो को ऑफ करें। अब आप यहां पे ब्रेक लाइन का यूज करें और आप कहीं पे भी क्लिक करोगे तो इस तरीके से आप अपनी ब्रेक लाइन को बना सकते हैं। बहुत सारे मामले में बहुत यूज होती है, काफी सारे स्टूडेंट को इसमें इश्यू आता होगा, वरना कोई तो हम वैसे क्या करते थे स्टार्टिंग में कि यहाँ पे ये बनाया और उसके बीच में फिर हम इस लाइन को इस तरीके से क्रिएट किया करते थे ताकि ये ब्रेक लाइन की तरह हमें नजर आए। बट अब इसको आपको करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ब्रेक लाइन का यूज कर सकते हो इस तरीके से। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, और ऐसे ही ट्रिक्स अगर आपको चाहिए ऑटोकैड की, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त को शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।